जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल का एक और सेट जो कि 21 जुलाई 2023 को शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दी है बाइलिंगुअल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी की, और उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% ये तीन क्रमिक छूट दी गई, ये एकल छूट के बराबर। देखो, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में कन्वर्ट किया गया। 4 की चीज 3, अब ये 3 बार किया गया तो इसे क्यूबिक कर दो। क्योंकि 3 बार क्यों, तो ये अब 64 से 27, दोनों का अंतर ले लो जो कि 37 आएगा अपॉन 64 × 100। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, 4 से ये 25 बार में गया, 4 से ये 16 बार में गया, 25 × 7 = 175, 7 × 175 5 × 17 हासिल, और 75 × 17 डिवाइड बाय 16, 16 × 5 = 80, 80 अब 125 और 16 × 7 = 112, यानी 57 point something, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर। बहुत इजी वे से इसको हमने आपको बता दिया। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 km/h की चाल से 7 घंटे 30 मिनट तक की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दें तो समय कितना बचेगा, यही ना। देखो, आप सिंपल वे में कर लो, सिंपल वे में कर लो। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 72 की और टाइम 7.5 घंटा, जिसे हम 15/2 बोलेंगे। अब कहता है कि स्पीड को जो स्पीड थी उसको बढ़ा दिया, कितना स्पीड को बढ़ा दिया, तो 72 से 25% बढ़ा दिया, तो 72 से अब ये कितना हो गया, 90 हो गया, 72 से 90 हो गया। तो समय कितना, तो x समय लगेगा, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर, 18 × 4 = 18, 5 से 3 बार, 12/2, यानी x बराबर 6 घंटा। उम्मीद है मेरी ये वाली बात आप समझ गए होंगे, x बराबर 6 घंटा लगेगा। और जब 6 घंटा लग रहा है तो पहले लगता था 7.5 घंटा, अब लग रहा है 6 घंटा, तो अंतर कितना आ गया, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को हम लोग 1 घंटा 30 मिनट बोलते हैं। बाकी अब मालूम चला आप और दिमाग लगा रहे हैं कि सर हम और दिमाग लगा, क्योंकि तो आजकल दिमाग बहुत, तो स्पीड ऐसे लिख लो, स्पीड यदि चाल 25% बढ़ जाए, 25% मतलब 1/4, यानी पहले जो चाल थी वो 4 है और अब 5 है, समय जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पहले 5 लगता होगा और अब 4 लग रहा हो। पहले वाला समय ही हमको 7 घंटे 30 मिनट 7.5 यानी 15/2 घंटा दिया गया, दोनों का अंतर 1 है, यही हमें चाहिए। 5 = 15/2, 5 से भाग दोगे तो 1 = 3/2 आएगा, और इसी 3/2 को 1.5 घंटा बोलते। अब बाकी देख लो, दोनों तरीके समान लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है, रेशियो से भी हो गया। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली और 4 वर्ष के बाद उसने ऋणकर्ता को 9/5 राशि वापस की, तो ब्याज की दर यानी 80/4 20% हो। हाँ सर, नकल मार दिए, हम बता रहे ना, क्योंकि प्रिंसिपल 5 रुपये है, 9 एज ए अमाउंट है, दोनों का अंतर 4 रुपये ऐसा ही हो जाएगा 4 वर्ष में, रेट 500। हैप्पी बर्थडे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 20% आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
जब इतने का इसका मान बताइए, देखिए आप 5 और -7 को इसमें रखोगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा, मैं मोटा मोटा बताऊं तो। कहीं ना कहीं आपके पास प्रचंड ज्ञान होना चाहिए। इससे पहले भी हमने सेशन में बताया हुआ है, जैसे ये 27x³ है और ये 8y³ है, ठीक है। 27x³ को हम लोग बोल सकते हैं 3x और 8y³ को ये 2y³। बोलो हाँ, इसका होल क्यूब लिखो। अब मुद्दा इसमें है, इसका होल क्यूब कैसे लिखोगे ये मैटर है। तो पहले तो ये 27x³ ऐसे लिख दो और 2y, तो ये 8y³ चलो ऐसे लिख दो, होल क्यूब खोल रहे। उसके बाद आपने तो मोटा मोटा पढ़ा होगा 3ab करके, 3a जो कि 3x आया, b ये आया, और स्वयं में ये वैल्यू जो भी है वो अंदर, तो ये कितना हो गया 18xy, और इसमें गुणा करोगे तो 18 54x² y हो जाएगा, और 18 2 36 xy² तो ऊपर वाली लाइन को आपने जब देखा मेरे भाई, और नीचे वाली में हमारा ये बना, देखा जाए यहाँ 54 है यहाँ 58 है, तो 4 हमारा अभी यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ 31 यहाँ 36 है, तो यहाँ 5 हमारा घटेगा, क्योंकि 31 से 5 घटाओगे तो ये इक्वेशन, तो ये चीज हमारी यहाँ पर ऐसे आए। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 3 15 7 2 14, 1³ 1 होता है, यानी ये तो मुद्दा खत्म। ये 4 ऐसे, 5² 25, और ये -7 हुआ, -5 ऐसे, फिर 5, और ये y² है, ध्यान रखना, -7² 49 हुआ, 1 -700 25 × 49, 225 22 हासिल और 122। इसमें एक कम कर दो, -1 9। तो इसमें आप अगर सीधे एक्स वाई का मान रखते हैं तो कैलकुलेशन आएगी, बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। हाँ कि भाई आप यूनिट प्लेस वैल्यू को लेके ही चेक कर ले रहे हैं और माइनस सिंबल को लेके चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ लेके चलना पड़ेगा, एक माइनस सिंबल एक यूनिट प्लेस वैल्यू, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ आजकल होता है, बच्चों के अंदर क्षमताएं हैं, ठीक है। अब जैसे ये 5/4 11/4, तो ये 16/4, तो ये तो 4 ही हुआ ना, और अब ये 34 हो गया, 109 इसमें घटाओ, 142 में से 109 घटाओ, 142 में से 109 घटाओगे, 13 में से 12 में से 9 गया 3 आया, और तैतीस आ गया, 231 आंसर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देखो ये आप देखते ही कर सकते। ए बी 28 सेंटीमीटर, सी डी 22, एक वृत्त के केंद्र की एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं, उनके बीच की दूरी 4 है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ये इस सेट का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लॉजिक में कोई वो नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो तो ये सब क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पढ़ाया जाता है, पर मेरा मानना है कि इसको छोड़ देना छठे नंबर, अंत में जब समय बचे तब। देखो तो समय का खेल होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अब यहां समझा देते हैं, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, अब कह दो सर क्यों छोड़ देना, क्योंकि यहां दशमलव स्थान तक विचार करें ना, इसलिए छोड़ देना, ऑप्शन भी दशमलव दिख रहे हैं। अब एक ही साइड है व्रत के, एक ही साइड है, एक और ये, ए बी है बड़ी वाली, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर होती है और दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी ये 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, 28 से तो ये 11 और ये 11। प्रीवियस ईयर है फिलहाल, हम तो कर देंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी 4 है, तो ये दूरी एक्स लोगे और इनकी रेडियस ये आर ले लो, तो चलो इसको इधर बना देते हैं रेडियस को, ये आर ले ले। तो अगर हम पहले इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं, इस वाले में, तो आर स्क्वायर क्या होगा, x² + 14² और अब बगल वाले में गए, आर स्क्वायर बराबर होगा x + 4 का होल स्क्वायर,
प्लस 11 का स्क्वायर, दोनों में त्रिज्याएं बराबर होंगी, यानी समझ गए ना इन दोनों का मैटर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो लिख देते हैं, ज्यादा शॉर्टकट में बच्चा कहेगा क्या, देखो इससे ये घटाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, तो ये घटाया तो ये पहले जोड़ दो 2x प्लस 4, फिर घटाओगे तो ये 4 आएगा। फिर देखा जाए मेरे भाई, फिर मेरे भाई देखा जाए 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, यानी 196 में से 121 घटा दोगे, या 14 में से 11 गया 3 आया, और 14 11 25 थे 75 हो गया। तो यहाँ ये कह सकते हैं 2x प्लस 4, चलो ऐसे रहने दो, 75 बटा 4, 4 उधर घटा दोगे तो 2x बराबर 75 में 16 जाएगा 59/4, यानी x बराबर 59/8। अब हमें रेडियस चाहिए तो पहली वाली में रख दो r स्क्वायर, ऐसे रखो x स्क्वायर, तो 59/8 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सजेस्ट क्या करूँगा, देखो 8 से भाग दोगे तो 8×56 यानी 7 समथिंग में आएगा, या 7.3 आएगा, 7.4 आएगा, पर 7 से अधिक आएगा, तो हम 7 का स्क्वायर मान ले रहे हैं, मोटा मोटा 49 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, और ये 142 मोटा मोटा, इसको हम जोड़ लें तो 200 के पास आ रहा है। अब कह दो सर आपको 142 और 49 जोड़ना नहीं आ रहा है, तो ये बात सही है कि नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ 14 है ना, ये 196 हो, सॉरी फॉर दैट, 14 का स्क्वायर 196 हुआ, ध्यान दे दिया, सही हुआ कि हमने बोला कि जोड़, अभी खेला हो जाता मेरे साथ आंसर में कुछ ना कुछ, कहते क्या है 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, क्योंकि ये भाग दोगे ना तो ये 7.3 आएगा, तो उससे ज़्यादा ही आएगा, तो 49 प्लस और 196, अगर आप जोड़ रहे हो, चलो इसी को जोड़ दें, 5 ऐसे और 20 24, 245 प्लस, अब देखो 15 का स्क्वायर 225, 15.2 लिखा है ना, 225 और 0.2 ये प्लस प्लस आएगा, पहली बार क्वेश्चन 14 का लेना ही नहीं, क्योंकि क्योंकि 225 से कम है, और ये 13 का 169, अब या तो ए होगा या ये होगा, अब ये देखो 245, 16 का स्क्वायर होता है 16 का 256, इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू, ये नियरेस्ट है कि ये, पहले बात को समझो, तो ये नियरेस्ट आ रहा है और ये भी 16 के नियरेस्ट आ रहा है, लगभग में आंसर ये आएगा, ठीक है 15.82 लगभग में, ठीक है, अब मेरे एग्जैक्ट नहीं, पर आप खुद ही सोचो 245 256 के पास सिर्फ 11 का अंतर है, 225 से 256 बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, तो पास में जो नियरेस्ट है वो आप समझ गए होंगे, ये कैलकुलेटिव है DI। कहता है 2020-2021 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों को दर्शाता है, 2021 में सभी 5 विषयों में कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना, जीव विज्ञान को चुना गया 2021 में, ये 2021 है जीव विज्ञान, यानी ये 90 है 90 ऐसे, ये सब जोड़ना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा और कुछ नहीं, 5 5 10 15 नीचे 5 हासिल 1, 7 1 8 8 6 14 1 15 15 9 24 24 और 8 24 और 8 32, यहाँ जोड़ते समय बिल्कुल ध्यान रखना वरना खेला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा, एक सेकेंड,
पांच 10 15 एक हासिल, सात एक आठ, हासिल वाला 9, 9 6 15, 15 और पंद्रह नौ 24, 24 आठ 32, 3 हासिल। ठीक है, काटना चाहो तो काट दो मेरे भाई, कटेगा 25 चौका हो जाएगा, 16 एक 17 हो जाएगा, चलो भाग देते हैं। नचौक 36, 360 में 17 का, 17 दूनी 34, 12 17 ही आ रहा है। ठीक है, 21 पॉइंट में आ रहा है, तो एक ही आंसर है 21.18, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए, 21 पॉइंट समथिंग में है तो यही आंसर हो जाएगा। तो अच्छा बिल्कुल एग्जैक्ट में जाओ तो फिर आप समझ रहे हो ना, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो पंद्रह लोगों के केक बनाते समय 2.4 kg आटे का इस्तेमाल हुआ, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया भाई, इतने आटे का इस्तेमाल हुआ। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए केक बनाने के करने के लिए कितने आटे की आवश्यकता होगी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या 15 लोगों के लिए 2.4 kg इस्तेमाल हो रहा है तो 36 के लिए कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ज्यादा अब अंडर प्रेशर में है ना, अब से मान लो चलो ये थोड़ा बात मान लो काट लिया, तीन से ये 5 बार में गया, 3 से ये 12 बार में, तो करना पड़ेगा ना, 5/12 ऐसे 2.4 by x, ये 12 x 288 हो गया, बटा 5, तो ये 5 पॉइंट, क्योंकि इसका जस्ट डबल ये हो गया। ठीक है, अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, भाई अमित की बात है, अमित किसी काम को 5 घंटे में कर सकता है, जीवन और पॉल मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं, अमित और पॉल मिलकर 3 घंटे में, एलसीएम 60 ले लो, क्षमता 12, 15 और 20, 12, 15 और 20। अब देखा जाए, अमित की क्षमता 12 है, पॉल की क्षमता 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी तो जीवन की क्षमता 7 हो जाएगी। हमसे कह रहा अकेले जीवन को काम पूरा करने में, तो 60/7, 8 × 56 40, 8 फिर 50, 7 × 49, 8.57, यानी नियरेस्ट इंटीजर 9 होगा, 8 नहीं होगा, समझ गए ना, अब इतना तो आप जानते ही हो। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, इनलेट मतलब समझ रहे, भरने वाला, तो ए मान ले रहे उसका नाम, 4.5 का मतलब होता है 9/2, जबकि एक आउटलेट पाइप यानी बी खाली करने वाला 35 × 36/5, एलसीएम 36 आया, क्षमता 4 × 8 और ये माइनस का 5। इधर टैंक शुरू में खाली है, इनलेट पाइप से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक करके तो टैंक पूरी तरह से भरने में, देखो इसमें आप आपको निंजा टेक्निक बताते हैं, निंजा टेक्निक क्या है, थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दो, तो ऑप्शंस पे क्यों, हाँ क्योंकि ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, और ये हमेशा खेला होता है बच्चों के साथ। अब लॉजिक को समझना, ऑप्शन में देखो 24, 20, 20, 20, सबसे छोटा कौन सा है, 20 है, सबसे छोटा कौन सा है, 20। अब ये ना देखो कि टिक लगा हुआ है, अब ये देखो सबसे छोटा कौन सा, 20 है, यानी देखा जाए ए 8 लड्डू बनाता है, बी 3 लड्डू, 5 लड्डू तोड़ता है, तो 2 घंटे में 3 लड्डू बने, तो सबसे छोटा ऑप्शन में 20 है, तो कम से कम 20 घंटे तो काम करना ही करना है, समझ गए ना, ये चीज सिखाना चाहता था मैं, यानी 20 घंटे में 30 लड्डू बन गए। अब बनाने किसके कितने,
बनाने कितने हैं 36, यानी 6 लड्डू। तो ए कहता है मैं तो सर 8 लड्डू बनाता हूँ, तो 6 के लिए 6/8 समय लेगा ये, 6/8 समय में ये 6, और इसका मतलब 3/4, तो 20 3/4, समझ गए ना। तो ये आप जल्दी कर लो, अन्यथा ये 3-स्टार क्वेश्चन है। भारतवर्ष में 60-70% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत किया होगा एग्जामिनेशन हॉल, ओपन बोल रहा। sec x माइनस cos x का मान किसके बराबर है मेरे दोस्त, ध्यान देना। ऐसा करो कि इसे sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा। सर ये क्यों, क्योंकि यहां तो sec x, यहां जाएगा तो एक sec x और cos x, तो cos x बचेगा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin x into sin x, और sec x को नीचे जाएगा sec x तो cos x हो जाएगा, देख रहे हो ये 10 x हो गया तो sin x। बाकी आप स्टेप और भी कम कर सकते हैं वो प्रैक्टिस पे। ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, देख रहे हो ये क्या बोल रहा है, तेजी से यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात। देखो 5.4 का मतलब 54/10, 54/10 यानी 27/5, ए की क्षमता 27 है और बी की क्षमता 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है जब प्रत्येक अकेले कार्य करते तो कार्य पूरा करने में ए बी की तुलना में 22 दिन कम लेता है। अब ए बी से 22 दिन कम तो टाइम जस्ट समझ गए ना, रेसिप्रोकल होता है, इसका अंतर भी 22 बराबर 22 के, यानी ए 5 दिन लेगा बी 27 दिन, और इसका एलसीएम लोगे तो 135 होता है। हमसे कहता है ए और बी मिलकर काम को उस कितने दिन में, तो 27/5 32 होता है, भाग दे लो मेरे भाई कुछ कट नहीं रहा, तो 4 सही 7/ क्योंकि 32 चौका 128 और 7 35 होता है, समझ गए ना। फर्जी क्वेश्चन, तो फर्जी कैसे है देखना, 3 से 3 डिवाइड तो यहाँ तो मुद्दा खत्म हो गया, 3 में से 3 और चला गया, 9 का स्क्वायर 81 तो 81 सिर्फ इसी में और किसी में नहीं, ये इंग्लिश में लिखा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। द पैरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल 100, देख लो द बेस 36 देन फाइंड इट्स सेमी पैरीमीटर, तो परिमाप 100 है अर्ध परिमाप 50 हो जाएगा, सीधे आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, अब सर समझ गया ना। एक्चुअल में क्या है, जिस बच्चे ने इसको किया था, जो हिंदी भाषी बच्चा जिसका मैं सेट लेके करा रहा हूं, तो उसने इसको पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा कि बेस देकर फिर सेमी पैरीमीटर, तो कंफ्यूजन में आ गया, कंफ्यूजन में, तो उसने इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट किया, समझ गए ना, समझ गए ना। तो इसका हिंदी इंग्लिश नहीं है। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट हो, अब डाउट क्यों होता है देखो हम आपको बताएं, उनका पैरीमीटर दिया, कहता आधार 36 है और आइसोस्केलस समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की बात करा जिसके दोनों बेस बराबर है, 100 में से 64 गया, 100 में 36 गया 64, तो 32 32 आ गया। तो हमसे ये भुजाएं नहीं पूछी गई, हमसे कह रहा अर्ध परिमाप बताओ, तो 100 का आधा 50 एक सेकंड का आंसर था, पर जब आप हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तो खेला हो जाता है, बहुत से क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन गलत भी होते हैं। इसलिए तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो इतना है, तो इनके क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है 5 का 25 और 7 का 49, जैसे मैंने किया अगर वैसे नहीं कर रहे हो तो स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, समझ गए ना। इनको सीखो, चाहे मुझसे सीखो चाहे किसी और टीचर से, बस सीखो। ऑफलाइन में भी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आजकल एसएससी में उतना हवा नहीं आ रहा है मैथ कि सिर्फ ऑनलाइन टीचर ही महान है, ऑफलाइन जाइए वहां से पढ़िए, वो भी सिखाते हैं, सब बेसिक क्वेश्चन ही आए अभी तक, तो अब आगे चल के आए तो बात की बात है। 126 135 मूल वाले चावल को एक इतना इतना, देखो बड़ा सिंपल वे में, वैसे तो इसको डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। ये कह रहा है 126 केजी है, ये कह रहा है 135 है,
हमसे ये पूछा गया है, और ओवरऑल 153 बोलना है। जनरली ये क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन में होता है, हम नहीं लगाएंगे, हम ऐसे कर देंगे 126 गुणे 1, 126 गुणे 35, ये 2x और ये टोटल 4 है, तो मिक्सचर एलिगेशन लगाएं, 4 इसमें झोंक दो, 12 60 1 61, ये घटाना है और 2 से 1 भाग देना है, 6 5 11 में से 12, तो ये तो एक ही बचा, समझ गए ना। अब ये 60 नजर देखेंगे, 12 35, 12 13 होता है 25, 60 में तो ये 35 आ गया, हो गया। मिक्सचर एलिगेशन से करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाए, हो सकता है, मैंने लगाया नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, समझ गए ना। ये क्वेश्चन कई लोग घबरा जाएंगे, कुछ नहीं फर्जी है। देखो हमारा टीचर हमको पढ़ाता है भाव एक का दो, इसका एक का दो, जो ये वैल्यू दी गई इसका स्क्वायर करोगे, प्लस का टू क्योंकि माइनस वाला है ये, तो 2√2 8, 8 + 2 ये 10 हो गया। फिर हमारा टीचर ऐसे पढ़ाता है कि x+1/x बराबर अगर a है, x³+1/x³ बराबर a³ - 3a होता है। अब जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये a ऐसे रहेगा, तो इसका भी स्क्वायर कर दो ना मेरे भाई, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। अब कौन सा बदलाव, 10³ - 3a, ठीक है। ये जो तरीके हैं इसको प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि झोंक दो कर दो सर, प्रकाश है सबने बताया था, ठीक है। 970 डिपेंड करती है सिचुएशन क्या है। ये क्वेश्चन एक फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी क्यों है, देखो इन जनरल साइन थीटा का मान रखकर खेलना होना चाहिए, वो इसमें कहीं यूजे नहीं है, यानी सब जगह थी थीटा भरा हुआ है, आप इसको थीटा समझो चाहे एक्स समझो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बढ़ा लो और इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, बहुत आया है प्रीवियस ईयर में, किताब खोलो तो कभी। हाँ जो बच्चे नहीं बना पाए उनके लिए मेरे शब्द होते हैं, ये 1 माइनस, तो ये 1 - 3 थीटा, और नीचे प्लस माइनस, तो 1 - sin²θ, तो बाहर आएगा cos²θ, बाहर आएगा cos3θ, समझ गए ना। अरे 1 - sin²θ जिसे बोलते हैं cos²θ, समझ गए, तो बाहर आएगा तो cos, अब ये भाग दे दो ये sec³θ हो जाएगा, 18 हो गया, 19। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। एक क्वेश्चन हमारा अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, एबीसी एबी 12 है, सीएबी 60 डिग्री है, सीएबी 60 डिग्री बाय डिफॉल्ट ये 30 हो जाए। अब सभी टीचर पढ़ाते हैं 90 के साथ 30, देखोगे √3 1 और 2 का रेशियो, बोलो बोलो टेल टेल। अब मेरे दोस्त 90 के साथ 30 दिख गया ना, ये √3 होगा, ये 1 होगा, 1 = 12 के तो √3 = 12√3, बाकी स्टेप भी कम कर सकते हो अपने हिसाब से। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है, तो 12% लाभ मतलब 112% की वैल्यू 22,400 जस्ट हमें लग रहा है 200 का गुणा हो रहा है। यदि वह दुगना लाभ, तो 12 की जगह वो 24% चाहता है, तो कितने में बेचेगा, तो जस्ट इसका दुगना 124 का डबल कितना होगा, 248 डबल, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, भाग दे दो, ऐसे भाग देते हुए सावधानी रखना तो खेल जाओ, 2 - 5/1, यहाँ माइनस सिंबल लगा हुआ है, -4 माइनस माइनस +5/2 +6 और 5/c = 0, इस सबको उधर भेज दो, 2 6 2 8 ये 4 आया, और इधर भेजोगे तो 5 कॉमन ले लो, 1/a माइनस 1/b, 5 से भाग दे दो, 4/5 खत्म। दो पाइप S1 और S2 एक खाली टैंक को अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते, भरने वाले हैं,
पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकती, 40 घंटे में खाली कर सकती। तो एलसीएम 120, 15 × 8 = 120 यानी 8 होगा, 20 छक्के और 40 तीना, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे। अब हमसे कहता है सबसे पहले S1 S2 खोला गया, ट्रेन के डब्बे हैं, S1 S2 खोला गया 2 घंटे बाद। S1 S2 खोला गया 8 × 2 = 14, 1 घंटे में 14, 2 घंटे में 28 खेल गए तो काम बचा 92। फिर S3 डब्बा भी खोल दिया गया तो ये खाली करता है, ये 14 लड्डू बनाता है, 3 तोड़ता है तो बनते तो 11 ही लड्डू है ना। S3 खुलने के बाद कितने घंटे में संपूर्ण रूप से भर जाएगा, तो समझ गए यही आंसर है, अभी तो यही आंसर है। चार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7 जिलों की जनसंख्या को दर्शाता है, ABCD करके, ठीक है। यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है, 150, भारत में शायद 140 बोला जा रहा है, ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ए में गए और डी में गए, 30%, 150 का 30%, 45 करोड़। ये क्वेश्चन तो फर्जी हो गया दिन पे दिन। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से इतने पीछे है, चोर की पुलिसकर्मी इतना ज्यादा, देखो एक चीज यहां बोला है, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है, यानी पुलिसकर्मी की चाल अगर 5x है तो चोर की 4x हो, 80% समझे नहीं, 100x, 80x तो 5x, ये पुलिस की चाल है और ये थीप मतलब चोर हो। अब देखो कुल मिलाकर टाइम अगर निकाला जाए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस कवर करना है 0.5 किलोमीटर, इसको ऐसे रखो, ये भी सब KMPH में है, सेम डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का अंतर x आएगा, इसमें कुछ नहीं करना। और टाइम 12 मिनट दिया गया तो 12 मिनट को हम लोग बोलेंगे 12/60, क्योंकि सबको KMPH, समझ गए ना, समय को भी घंटा में कन्वर्ट करोगे, और ये वाला इनटू हटा देते जो कल धरने में बैठ जाओ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो रिलेटिव स्पीड अंतर आता है, बस इससे ये 5 बार में गया, x की वैल्यू आ गई 2.5, थोड़ा 2.5 कदम चलता है। तो बताइए चोर की चाल क्या है, चोर 4 × 2.5 10 KMPH, बाकी दुनिया भर के और भी तरीके हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है, फर्जी क्वेश्चन, इसका तो आंसर एक सर, कैसे सभी पढ़ाते हैं, इफ θ1 + θ2 = 1, tan θ1 × tan θ2 = दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो ये 1 होता है, 25 / 65 = 90, 35 / 55 = 90, तो 10 = 45 की वैल्यू 1 होती है। उम्मीद है आप सबको ये सेशन समझ में आया होगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, SSC की ना जाने कितनी किताबें हमने यूट्यूब में पढ़ा रखी है, ना जाने क्या 3-4 किताबें पढ़ाएंगे और क्या, उनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ये वाले सब लैपटॉप चल रहे हैं, बाकी कुछ डिजिटल बोर्ड्स हैं, कुछ वाइट बोर्ड्स हैं, जैसा जीवन का संघर्ष हमारा चलता रहा है उस हिसाब से। तो उम्मीद है मेरी बातों को समझ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत।